मारपीट का मामला है महेश शर्मा से। पड़ोसियों ने मारपीट की है, जमकर मारपीट करने की खबर इस वक्त आ रही है। महेश शर्मा के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, मारपीट कर पड़ोसी मौके से भाग गए। उनको पकड़ने के लिए अब लगातार पुलिस की टीम इधर उधर उनको ढूंढ रही, लेकिन महेश शर्मा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महेश शर्मा के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मारपीट के बाद पड़ोसी फरार हो चुके हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही सुशांत, इस वक्त हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर। सुशांत, क्या कुछ जानकारी है? जो आरोपी है क्या अभी तक दबोचे गए, पकड़े गए, और इस वक्त अस्पताल में क्या कुछ इस वक्त जानकारी पूरी? सुशांत, मेरी आवाज आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, महेश शर्मा जिनको अस्पताल में इस वक्त एडमिट करवा दिया गया है, जो पड़ोसी हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने जमकर मारपीट की है, उसके बाद वहां से फरार हो गए हैं। और इस वक्त महेश शर्मा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर इस वक्त हाथ का फ्रैक्चर और उसके बाद इलाज जारी है। तस्वीरें सबसे पहले अस्पताल से आपको दिखा रहे हैं। महेश शर्मा के साथ इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि मारपीट की गई है। प्रदेश संगठन महासचिव हैं और जिनके साथ पड़ोसियों ने ही मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। महेश शर्मा के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और मारपीट के बाद पड़ोसी मौके से भाग गए। सुशांत, एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। सुशांत, अपडेट क्या है पूरे मामले पर? देखिए, महेश शर्मा तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, हाथ और सिर में संजय के फ्रैक्चर हुआ है, और जो पूरा वाकया बताया जा रहा है, दरअसल वो इनके बगल में घर के बगल में सार्वजनिक पार्क है और वहां पे अतिक्रमण हो रहा था। इनको सूचना मिली, ये वहां गए, लोगों को समझाने की कोशिश की। करीब एक दर्जन लोग थे जिसमें कई महिलाएं भी शामिल है, उन्होंने इनके ऊपर हमला किया है। इनके सर में जो है चोट आई है गंभीर, हाथ में अभी जो है प्लास्टिक की जानकारी मिल गई है। अभी हालांकि जो एक फॉर्मल पट्टा बंधा है, बाकी डॉक्टर एग्जामिन करेंगे कितना ज्यादा गंभीर है मामला, लेकिन एफएक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये कांग्रेस के बड़े नेताओं में से हैं जयपुर में, और पीसीसी में इस तरीके से संगठन महासचिव का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, मामले की जानकारी मिलने के बाद मालवीय नगर पुलिस जो है वो एक्शन में आई है और तलाश कर रही है, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो कुछ वही स्थानीय भी बताए जा रहे हैं जो अतिक्रमण कर रहे थे। ऐसे में नामजद आरोपी और उम्मीद कर रहे हैं जल्द वो पकड़ में आ जाएंगे। ये पड़ोसी बताए जा रहे हैं, क्या पहले से कोई रंजिश को लेकर इस तरीके से प्लान तैयार किया गया था, या फिर सडन जब गए तो उसी वक्त विरोध के चलते इनके साथ मारपीट की गई है? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है संजय वो ये है कि अतिक्रमण किया जा रहा था पार्क में, और इन्होंने एक जागरूक नागरिक के नाते, कांग्रेस नेता के नाते उन लोगों को समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हो सकता है ये पहले कई दिनों से चल रहा हो, पहले बहस भी हुई हो, तो एक तरीके से ये भी उनके टारगेट पे थे कि ये आदमी हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। आज जब ये गए तो अचानक से सडनली इन पर पीछे से हमला किया गया। इनके सिर में बताया गया है कि किसी धातु से जो है वार किया गया है, हाथ में भी इनके जो चोट आई है वो भी किसी हथियार की जो वार से आई है। ऐसे में एग्जामिन के बाद ये पता चलेगा, लेकिन चूंकि ये उस समय वहां गिर गए थे, इनको आके जो परिवार के लोग हैं, इनके जो मित्र वहां रहते हैं, उन्होंने उठाया, अस्पताल में लेकर आए हैं। अभी थोड़ा बातचीत कॉन्शियस हुए हैं, बातचीत करने की स्थिति में है, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। बिल्कुल सही आपने कहा कि वाकई में कांग्रेस महासचिव के साथ इस तरीके की मारपीट की जा रही है और उसके बाद पड़ोसी भाग जा रहे हैं। पूरे मामले पर अब कार्रवाई के बाद तो कही जा रही, लेकिन अभी तक पड़ोसी गिरफ्त से दूर है। शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए।